आपके पास बैठे तो नहीं भैया, तुरंत उठ जाओ, भाग जाओ, कांपता पार्टी साटी मत करना, और दारू की पार्टी तो बिल्कुल मत करना, वरना गर्दन काट डालेगा। ना जाने भैया दोस्त का सोच बैठे, बाराबंकी जब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारा मकसद है किसी को डराने का मकसद नहीं है, लेकिन इस वक्त की इतनी बड़ी खबर आई कि कांपता रूह भी कांप उठेगी। एक दोस्त ने बकायदा अपने दोस्त की हत्या कर डाली, गर्दन काट डाली, बाका निकाल के धर के रगड़ देश और बकायदा नहर में सब फेंक दिया। मामला बाराबंकी जब के थाना मसौली का, मसौली नहर के पास ये घटना घटित हुई और मामले की जानकारी बाराबंकी के एसपी अनुराग स्वयं दे रहे हैं कि देखो हमको दोस्त बता रहा था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है, आगे खुद सुन लीजिए। देखिए अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि यहाँ थाना मसौली में ये नहर का किनारा पड़ता है, यहाँ पर तीन लोग आपस में बैठ के पार्टी कर रहे थे और उसके बाद इनका कहना है कि एक व्यक्ति जो वहाँ से मौके से भाग के थाने पहुँचा है, उसने जाकर ये सूचना दी है कि जो उसके बाकी दो लोग थे उनमें से उसका एक दोस्त जिसका नाम चंदन मिश्रा है, उसने अपने साथ में बैठे हुए लड़के का गला बाके से काटा है और उसको बाके से काटने के बाद इनका कहना है कि उसने उसकी डेड बॉडी को नहर में डाल दिया है। ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिली है, सभी ऑफिसर्स दोनों थाने की पुलिस और हम स्वयं यहाँ पहुँचे हैं और इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, उसका विस्तृत बयान लिया जा रहा है, जानकारी की जा रही है कि घटना किस कारण से हुई, इसका मोटिव अभी क्लियर नहीं है। चंदन मिश्रा को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी मोटिव स्पष्ट हो जाएगा और जो व्यक्ति जिसकी हत्या की जाने की बात आ रही है उसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है, डेड बॉडी को निकाल के उसकी पहचान कराई जा रही है, उसके परिवारजनों को अवगत कराया जाएगा। अब एसपी साहब की बात सुनो कि नहीं सुनो भैया, मसौली नहर के पास तीन दोस्त बैठे हुए थे, पार्टी कर रहे थे, रात को कौन सी पार्टी होती है आप सब जाने जानते हो, निकाले भैया धारदार हथियार और गर्दन नगर डारिस और नगर करके भैया देख लो नहर के पास फेंक दिया। अब तीसरा दोस्त वो घबरा गया था जब चंदन मिश्रा हत्या कर रहा था, वो तुरंत दौड़ते दौड़ते थाने पहुंचा और साहब को मामले की जानकारी बताने लगा। अब दोनों थाने की भैया पुलिस अलर्ट हो गई है और कार्रवाई में जुटी है, मौके पर एसपी साहब भी है। अब देखते भैया आगे कल का खुलासा होता है और बकायदा चंदन मिश्रा कब तक घर दबोचा जाएगा। फिलहाल बाराबंकी जमसवत मसौली की लादा साबित के वीडियो कैसे लगी हमने ताना, और सावधान हो जाओ भैया, रात को घर से ना निकला करो और दोस्त के साथ तो काम था। जाने से पहले भैया निवेदन करते हैं कि पार्टी साठी बिल्कुल मत करना, ना जाने कौन सा दोस्त का सोच रखा हो गर्दने काट डाले।